हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस कॉलेज के बारे में, उसका नाम है आपका डॉक्टर SNN गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वेदीखाल, पौड़ी, गढ़वाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है BEd के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, जो BEd के जो रजिस्ट्रेशंस हैं 2021-22 सेशंस की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशंस जो है दिखा देता हूँ, जो इन्होंने दिया है। तो ये है आपका इसका नोटिफिकेशंस। इसमें इन्होंने लिखा हुआ देखिए, कार्यालय प्राचार्य डॉक्टर शिवानंद नोटियाल, राजकीय महाविद्यालय वेदी खाल पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, स्वावित पोषित BEd प्रवेश या पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति। तो स्वावित पोषित BEd पाठ्यक्रम सत्र 2021-23 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में दिनांक 24 जनवरी से 25 जनवरी तक BEd विभाग में पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो वर्ष 2021-23 के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की BEd प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी BEd प्रवेश परीक्षा 2021-23 की अंक तालिका, काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क रसीद, अधिभार अंक प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र एवं समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल या छाया प्रति तथा 4 फोटो को संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो दोस्तों, ये है आपका डॉक्टर शिवानंद नोटियाल, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है पौड़ी गढ़वाल का। और क्योंकि ये जो है श्रीदेव सुमन से एफिलेटेड है, तो इसीलिए अगर आपने जो है श्रीदेव सुमन का BEd एंट्रेंस एग्जाम्स दिया होगा, तो वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जिन्होंने HNB का दिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये HNB से एफिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये श्रीदेव सुमन जो है यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और यहाँ पे जो है BEd की जो है यहाँ पे 50 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस है। BEd की 50 सीटें यहाँ पे आपकी जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप भी जो है यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ये इनका जैसे 2020-22 का इन्होंने मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, EWS की जो है 57.75 गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका EWS का, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें ये कैंडिडेट है, इसमें जो है इसके जो है और इसमें आपका देखिए SC कैंडिडेट है साइंस ग्रुप का, यहाँ पे देखिए 48 कट ऑफ गई है। और इसी तरह आप देख सकते हैं साइंस है जनरल कैटेगरी में 50.72 यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये है आपकी BEd की है, ये 2020-22 की है ये। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, आपने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का BEd एंट्रेंस एग्जाम्स दिया था, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका आपको ऑनलाइन, ये इसमें जो रजिस्ट्रेशन है अभी, इस पर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कॉलेज लेकिन अभी तक कॉलेज की साइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशंस नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन को लेकर। तो कोई नोटिफिकेशंस आता है तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा।